अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 का हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स। फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स, इन्हें फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं बिकॉज ये चपटे से होते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। आगे के कुछ फाइलम्स जो हैं, ये वाला फाइलम और इसके बाद वाला फाइलम जो है थोड़े छोटे हैं, और उसके बाद फिर थोड़े से बड़े फाइलम्स आएंगे। तो फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स, इनके दूसरा नाम फ्लैटवर्म्स हैं। क्यों कहते हैं इन्हें फ्लैटवर्म्स? मैंने बताया कि इनकी बॉडी जो है वो चपटी सी होती है। दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी जो कि फ्लैट या रिबन शेप होती है। देर आर 15,000 स्पीशीज, वी डोंट केयर अबाउट द नंबर। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी एनिमल्स हैं जिनके पास हेड है, इससे पहले आपने जो दो एनिमल्स पढ़े थे उनके पास हेड नहीं था, ना तो स्पंजेस के पास हेड था, उनके पास तो कुछ नर्वस सिस्टम में नहीं था, ना तो हेड था। और जो फाइलम निडीरिया के मेम्बर्स थे उनके पास हेड तो नहीं था, लेकिन उनके पास नर्वस सिस्टम मौजूद था रूडिमेंट्री। अब यहाँ से हेड वाले जो एनिमल्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं कि जिनके पास एक पार्ट होता है जिसे आप हेड कहते हैं। तो जितने भी एनिमल्स के पास हेड है उनमें ये सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। आपके पास भी हेड है, इनके पास भी हेड है, तो हेड वाले एनिमल्स के अंदर ये सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स हैं या सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं। दे हैव अ माउथ, ठीक है, ये तो हमने पहले भी देखा था, जो कि ओपन होता है एक गट के अंदर जिसका कोई एनस नहीं है। अगेन, पिछली निडेरिया के अंदर हमने एक अदद समझे कैविटी देखी थी कि जिसकी एक ओपनिंग थी जिसे हमने कहा था माउथ, और वही माउथ जो है वो एनएस के तौर पर भी बिहेव कर रहा था। उसी के थ्रू खाना अंदर जाता था और उसी के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाहर आते थे। इनके पास भी उसी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, थोड़ा सा एडवांस है। इनके पास प्रॉपर गट है, वहाँ पर तो सिर्फ कैविटी थी, यहाँ पर एक प्रॉपर लग से सिस्टम लगा हुआ है जिसे आप गट कह रहे हैं या जिसे आप इंटेस्टाइन कह रहे हैं। लेकिन अगेन, इस गट की सिर्फ ओपनिंग है एक, और वो माउथ के तौर पर भी बिहेव करती है और वो एनएस के तौर पर भी बिहेव करती है। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि कोई एक बैग है कि जिसके अंदर आने का रास्ता भी एक है और जाने का रास्ता भी एक है। दे आर ए सीलोमेट, सीलोम जो है एक अदद बॉडी कैविटी होती है जो डेवलप होती है, जो दरमियानी लेयर होती है ना एनिमल्स के अंदर, जिसे मीजोडर्म कहते हैं, उसके टूटने से एक अदद स्पेस बनती है। इनके पास मीजोडर्म मौजूद है, क्यों? क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। इस मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक है, उसका नाम निडेरिया था। आगे के सारे फाइलम डिप्लोब्लास्टिक है, तो इनके पास तीन लेयर्स मौजूद थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो मीजोडर्म मौजूद तो थी लेकिन वो स्प्लिट नहीं हुई। जब वो स्प्लिट नहीं हुई तो उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं बनी, इनकी बॉडी के अंदर वो कैविटी नहीं होती जिसे सीलोम कहें, तो ये ए सीलोमेट है। इससे पिछला फाइलम जो पढ़ा था आपने, उसके अंदर तो मीजोडर्म थी ही नहीं, उन्हें भी ए सीलोमेट कहते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। देखिए, वो कैविटी जिसे हम वो कह रहे थे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसे सीलेंट्रॉन कह रहे थे, वो अलग कैविटी है। ये एक स्पेस होती है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो वो कैविटी इनके अंदर भी एब्सेंट है और इससे पहले भी एब्सेंट थी। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मैंने बताया था दो ही फाइलम है जो आपने याद रखने हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल हैं। एक का नाम निडेरिया था और एक जिसमें जेलीफिश आती है, और एक का नाम इकाइनोडर्मेटा है जिसमें स्टारफिश आती है। तीसरा फाइलम कौन सा है जो एसिमेट्रिकल है? उसका नाम था स्पंजिस। बाकी सारे फाइलम जो हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। तो इससे आगे आप जितने भी पढ़ेंगे सिवाय इकाइनोडर्मेटा के, वो सब बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। एंड दे हैव ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने बात की थी कि स्पंजिस के अंदर सेल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन उनके अंदर टिश्यू नहीं बन रहा था। निडेरिया के अंदर सेल्स भी थे और टिश्यू बना रहे थे लेकिन ऑर्गन नहीं था। अब यहाँ से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात स्टार्ट हो गई है। इनकी जो इंटेस्टाइन है वो काफ़ी ब्रांच्ड होती है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप देखेंगे प्लेनेरिया, ये जो सामने बना हुआ है चपटा सा जिसका नाम ड्यूजीसिया लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम जो है वो प्लेनेरिया होता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे जो इंटेस्टाइन होती है वो ब्रांच होती है। ये एक एंटीरियर ब्रांच होती है और फिर दो साइड्स में लैटरल ब्रांचेस होते हैं। सो दे हैव अ ब्रांच इंटेस्टाइन। देन इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स भी मौजूद हैं, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, और इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, या इनका दूसरा नाम होता है फ्लेम सेल। क्यों कहते हैं फ्लेम सेल? क्योंकि इस प्रोटोनेफ्रीडिया का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें पाए जाते हैं सीलिया, और वो सीलिया मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि मोमबत्ती के ऊपर जो आग होती है वो हिलती है ना, तो उसे कहते हैं फ्लिकरिंग फ्लेम, हिलता हुआ फ्लेम जो है, बिल्कुल उसी तरह लग रहे होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल। मैं डायग्राम दिखाऊंगा इनकी। अगेन, रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम है जो हमने निडेरिया के अंदर भी देखा था। रूडिमेंट्री का मतलब अभी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि निडेरिया के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज, क्योंकि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पॉइंट की तरफ नहीं जा रही होती। क्यों? क्योंकि उनके पास हेड नहीं था। इनके पास हेड मौजूद होता है, ऑल्दो इनके पास ब्रेन नहीं है, लेकिन ब्रेन से छोटा जो स्टेज होता है जिसे गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को कहते हैं, जो न्यूरॉन का पार्ट होता है। अगर आपने कभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा हो तो न्यूरॉन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं।
ये बीच वाला पार्ट जो है ये सेल बॉडी है, और इससे ये छोटे छोटे प्रोसेस निकलते हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ये बड़ा वाला प्रोसेस है जिसे एग्जॉन कहते हैं। तो ये जहाँ पर जमा हो जाती है ना, वो पॉइंट जो है वो गैंग्लिया कहलाता है। तो इनके पास इसके हेड के अंदर गैंग्लिया मौजूद होते हैं, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी से हेड की तरफ जा रही होती है। तो नर्वस सिस्टम दोनों में रूडिमेंटरी है, इनके अंदर भी और उनके अंदर भी, बट निडेरिया के अंदर डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम था, जबकि इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज होता है, जो हमारे अंदर भी पाया जाता है। कौन सा सिस्टम नहीं है इनके अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इनकी बॉडी के तकरीबन सारे सेल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के जरिए, इनके जो सेल्स हैं वो डिफ्यूजन के जरिए ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप सेल्स मौजूद नहीं है, इनका काम डिफ्यूजन के जरिए हो सकता है। प्लेटफॉर्म्स जो हैं यानी प्लैटीहेलमिंट्स, ये मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। इनकी एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, और ये दोनों तरह के गैमेट्स बनाते हैं। ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं इसके वो या तो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, यानी बॉडी के बाहर से किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या इंटरनल पैरासाइट हैं, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, यानी चलने के लिए नहीं होते। इनके पास चूंकि ये पैरासाइट है और इन्हें अटैच होना होता है किसी होस्ट की बॉडी से, तो इनके पास एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हुक्स हैं या स्पाइंस हैं या सकर्स हैं। अच्छा, पैरासाइट हैं ये, और कुछ पैरासाइट ऐसे हैं कि जिनका कोई एक होस्ट होता है, दे आर कॉल्ड मोनोजेनिक पैरासाइट। और कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। जैसे आप चैप्टर 7 के अंदर पढ़ के आए थे कि जो मलेरिया है, जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, वो एक डायजेनिक पैरासाइट है, क्योंकि उसके दो होस्ट हैं, एक इंसान है और या वर्टिब्रेट्स हैं और एक मॉस्किटो है। बिल्कुल इसी तरह इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिंगल होस्ट होता है, दे आर कॉल्ड मोनोजेनिक। सिंगल होस्ट वाले जो होते हैं ना, वो आपको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल सॉइल से आ जाएंगे बॉडी के अंदर, या कंटामिनेटेड फूड से या कंटामिनेटेड वाटर से आएंगे। डायजेनिक जो होते हैं ना, वो किसी खास ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीफ खा लिया तो बीफ के अंदर से आ गया, तो वो वर्म जो था वो बीफ के अंदर भी रहता था और वो आपके अंदर भी रह रहा है, तो दोनों में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो ये डायजेनिक पैरासाइट कहलाता है। ये इसकी एग्जाम्पल है जो आपने याद रखनी है, ड्यूजीसिया, ये लाजमी याद रखनी है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि फाइलम निडेरिया जो है, जब भी उसका कोई मेंबर बताना होता है, उसके मेंबर की एग्जाम्पल देनी होती है या उसके अंदर कोई सिस्टम डिस्कस करना होता है, तो हम हाइड्रा का नाम लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब प्लैटीहेलमिंट्स की बात आती है तो हम प्लेनेरिया को एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया जिसका दूसरा नाम ड्यूजीसिया है। देन फैसियोला जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं, ये पत्ते के शेप की तरह जो है, एंड देन टीनिया सैजिनेटा जिसे टेप वर्म कहते हैं, ये डायग्राम बनी हुई है, ये कॉमनली आपने लैब के अंदर भी देखा होगा, डब्बे के अंदर बंद होते हैं ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरासाइटिक एडेप्टेशन। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये यूजुअली इंटरनल पैरासाइट होते हैं या एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ जो है ना, ये फ्री लिविंग से डिफरेंट है। फ्री लिविंग के अंदर तो आपके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं और आप अपना शिकार खुद करते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के अंदर आप बेसिकली किसी की बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और खाना वाना आपको वहाँ से मिल रहा होता है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मॉडिफाई करनी होती है अपनी बॉडी के अंदर, ताकि आप उस लाइफ स्टाइल को जो है वो गुजार सकें। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ 4-5 एडेप्टेशन हैं। नंबर 1, इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर मौजूद होती है। क्यों मौजूद होती है भाई प्रोटेक्टिव लेयर, या प्रोटेक्ट इनकी जो बॉडी की अपर लेयर होती है वो थिक हो जाती है? क्यों हो जाती है भाई? ताकि होस्ट के जो डिफेंसेस हैं उनसे बचा जा सके। अब ये जो हमारे पास टेप वर्म है, ये जो टीनिया सैजिनेटा वगैरह हैं, ये इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो करते हैं। वो आपको पता है इंटेस्टाइन के अंदर स्टमक से जो है वो एसिड भी आता है और दूसरे केमिकल्स भी होते हैं, तो उनसे बचने के लिए इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है प्रोटेक्टिव लेयर से, या इनकी अपनी बॉडी की लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हुई हुई होती है जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन इनके पास अटैचमेंट के लिए, क्योंकि इन्हें बॉडी के अंदर जाकर किसी ना किसी टिश्यू के साथ अटैच होना होता है, बॉडी की वॉल के साथ अटैच होना होता है, तो इनके पास उसके लिए स्पाइंस होते हैं, सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं। और ये किसकी जगह आए? ये लोकोमोटरी ऑर्गन की जगह आए, क्योंकि इन्हें भागना दौड़ना तो है नहीं, ना तो इन्हें शिकार करने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन चाहिए, ना तो शिकार से बचने के लिए चाहिए। दो ही चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, या तो आपने खाना हासिल करना हो, या किसी या ख़ुद को जो है वो किसी का खाना बनने से बचाना हो, तो इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इनकी रिड्यूस फॉर्म में होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल हुई भी होगी या कुछ में एब्सेंट भी होगी। हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं, जो फ्री लिविंग होंगे उनके अंदर प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होगी, ब्रांच्ड भी होगी। इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो पैरासाइट होते हैं, या तो रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें डाइजेस्टेड खाना मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल क्यों चाहिए आपकी? इतनी बड़ी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्यों चाहिए होती है? स्टमक क्यों चाहिए? क्योंकि आप खाना डाइजेस्ट करते हैं। अगर आपको बना बना खाना मिले तो आपको सिर्फ ईलियम का पार्ट चाहिए होगा जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है।
देन न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स जो हैं इनके वो डेवलप नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स हैं वो या तो खाना वाना लोकेट करने के लिए चाहिए होते हैं या शिकार से बचने के लिए चाहिए होते हैं। ये चूंकि बॉडी के अंदर मौजूद हैं, इन्हें सब कुछ बचा बचाया मिल रहा है, इन्हें बस एक जगह बना बनाया मिल रहा है, इनको बस एक जगह बैठ कर खाना होता है, तो इनके पास इनके न्यूरोसेंसरी ऑर्गन ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनका बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, इनका जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी इंडियंस और बांग्लादेशियों की तरह बहुत तेज़ी से बच्चे पैदा करते हैं। उसका रीज़न क्या है, जिस तरह हमें डर है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो हमें ख़त्म ना कर दें तो तेज़ी से बच्चे पैदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन्हें भी ख़तरा होता है कि जो इनका होस्ट है उनकी बॉडी की उसकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कभी ना कभी इन्हें मारने के लिए आएंगे, तो ये तेज़ी से बच्चे पैदा करते हैं ताकि पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएँ और इनकी जो आबादी है वो कम ना हो सके। तो ये कुछ पैरासाइटिक एडेप्टेशन हैं, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है कि पैरासाइटिक एडेप्टेशन लिख दें जो प्लैटीहेलमिंथ्स के अंदर है। अच्छा, ये हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, हमें पता है डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये जो डिजीज़ स्प्रेड होती है ना इनकी कुछ रीजंस हैं। नंबर वन, पुअर सैनिटरी कंडीशन, सफाई का ख्याल ना रखें तो उनसे हो सकती है। हाइजेनिक लिविंग जो है, तमीज़ से अगर साफ़ सफाई का ख्याल रखें तो बचा जा सकता है। खाने की चीज़ें अगर इंस्पेक्ट करके खाई जाएँ प्रॉपर कि उनमें कोई एग्स वगैरह तो मौजूद नहीं है, कोई कीड़े वगैरह मौजूद तो नहीं है। और थॉरो कुकिंग, मीट को प्रॉपरली अगर नहीं पकाया जाता तो चांसेस होते हैं कि इसके अंदर ये जो वर्म्स हैं इनके एग्स वगैरह मौजूद हों और ये आपकी बॉडी के अंदर चले जाएं। तो कच्चा मीट खाने से या फिर प्रॉपरली कुक अनकुक मीट जो है या फिर जो प्रॉपरली कुक ना किया गया वो खाने से जो है ये टीनिया वाला जो इन्फेक्शन है ये होता है। तीन क्लासेस हैं इस फाइलम की, बहुत आसान सी क्लासेस हैं, और किस बेस पे अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ लिविंग। देखिए, आप अभी तक देखते आ रहे हैं कि किसी ना किसी बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहली क्लास है जो है टर्बुलेरिया, किस बेस के ऊपर है, मोड ऑफ लिविंग। तो इसमें वो मेंबर्स पाए जाते हैं जो फ्री लिविंग है। इसमें जो ड्यूजीसिया है जिसका नाम प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग है, यानी ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, अपनी ज़िंदगी गुजारता है, शिकार विकार करता है अपना दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, कार्निवोरस होता है ये, दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है। तो टर्बुलेरिया के अंदर आते हैं फ्री लिविंग, और भी जितने फ्री लिविंग मेंबर्स होंगे इसके वो इसके अंदर आएंगे, इस क्लास के अंदर आएंगे। ट्रीमाटोडा जो है ये दूसरी इसकी क्लास है, इसके अंदर वो मेंबर्स आते हैं जो पैरासाइट होते हैं, या तो एक्टो होंगे या एंडो, लेकिन उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बायफर्केटेड होती है, यानी दो पीसेस में डिवाइडेड होती है। इसकी एग्जाम्पल है आपके पास फैसियोला हेपेटिका, जिसे शीप लिवर फ्लूक भी कहते हैं। थर्ड मेंबर जो है, थर्ड क्लास जो है हमारे पास, वो है कीस्टोडा। कीस्टोडा के अंदर वो आते हैं जो एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी बॉडी के अंदर रहने वाले होते हैं, और इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एब्सेंट होती है और इनकी बॉडी रिबन शेप होती है। इसकी एग्जांपल है टीनिया सेजेनेटा, जिसे बीफ टेप वर्म भी कहते हैं, जो बीफ से आता है अगर अनकुक्ड हो या प्रॉपरली कुक ना किया गया हो तो उसके इस्तेमाल से जो है ये आपकी बॉडी के अंदर आ सकता है। तो ये है हमारे पास रिलेटेड टू प्लैटीहेलमिंथ्स, कुछ इमेजेस देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये जो है हमारे पास दिस इज प्लेनेरिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है चपटा सा, ठीक है, ये दो आंखें जिसकी नज़र आ रही हैं, बेसिकली आंखें नहीं होती। सो दिस इज प्लेनेरिया, ये अगर आप देखें यहाँ पे, दिस इज गैंग्लिया, ये इसका नर्वस सिस्टम है। अगर आप देखें तो नर्वस सिस्टम इसका इस तरह से है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हेड के अंदर जाएगी, जहाँ पर गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया बेसिकली मैंने बताया था कि जो सेल बॉडीज़ हैं उसका कलेक्शन होता है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है। तो इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। दिस इज़ फैसियोला हेपेटिका, ये जो पत्ते की तरह का है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लिवर फ्लूक। और ये जो है इसका एक होस्ट जो है वो शीप भी होता है, तो इंसानों के साथ साथ या इंसानों के साथ साथ इसके दूसरे कैटल्स जो हैं वो भी होस्ट होते हैं, उसके अंदर शीप भी होता है, तो ये शीप के थ्रू जो है वो इंसानों तक पहुँचता है कॉमनली। दिस इज़ द टीनिया सेजेनेटा, जिसे बीफ टेप वर्म कहते हैं, जो बीफ खाने से आता है यूजुअली, अनकुक्ड या फिर प्रॉपरली कुक ना किया हो बीफ तो उससे आता है, ये रिबन शेप होता है और ये कीस्टोडा से बिलोंग करता है। इसी का एक और मेंबर है टीनिया सोलियम, ये पोर्क टेप वर्म कहलाता है, ये पोर्क खाने से आता है, और भी होस्ट हो सकते हैं इसके, लेकिन कॉमनली जो है वो पोर्क खाने से आता है, ये भी कीस्टोडा से बिलोंग करता है, रिबन शेप, ये बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर सर्जरी तक करनी पड़ जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन अगर ब्लॉक हो जाती है तो फिर जो भी कंटेंट्स होते हैं वो आगे पास नहीं हो रहे थे, तो पेशेंट वॉमिटिंग के साथ और एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी सूजा हुआ एब्डोमिन होता है उसके साथ आ रहा होता है। दीज आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स, ये बेसिक फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये सीलिया होते हैं और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, और इनकी मूवमेंट जो है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि फ्लेम मूव कर रहा है, फ्लिकरिंग फ्लेम। सो दिस इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लेम सेल्स, और इनका दूसरा नाम जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया है, ये बेसिकली इनके अंदर एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं। ये अगर आप देखें तो ये पूरी एक ट्यूब होती है, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे,
ये जो आपको नज़र आ रही है दो, ये दो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स हैं, ये एक्सक्रीटरी कैनाल्स कहलाती हैं। और इन एक्सक्रीटरी कैनाल्स के अंदर ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्सक्रीटरी कैनाल, इसके एक तरफ ये फ्लेम सेल लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है ये ओपनिंग होती है जो कि बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन करवाती है। खैर ये स्ट्रक्चर आप सेकेंड ईयर के अंदर जाके पढ़ेंगे जब आप एक्सक्रीशन का टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर वन में। तो ये है हमारे पास कुछ बातें अबाउट फाइलम प्लैटीहेलमिंथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फाइलम निमेथिलमिंथ्स, या जिसे हम निमेटोडा कहते हैं, या फाइलम एस्किलमिंथ्स।